नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विप्लव 11 में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ZR वर्सेस KW के बीच में जो मैच होने वाला है सौराष्ट्र प्रीमियर लीग में। ZR यानी जलावाद रॉयल्स वर्सेस कच्छ वॉरियर्स के बीच बात करेंगे दोनों ही टीमों के प्लेइंग पिछले प्लेइंग 11 और पिछले मैच में परफॉर्म करने वाले प्लेयर की। और आपको बताऊँ कि दोनों ही टीमें पिछला मैच जीत गई है और ओपनिंग बैट्समैन ने जिताया चेस करते हुए। दोनों ही टीमें 10-10 विकेट से मैच जीत गई है, एक भी विकेट नहीं खोई थी दोनों ही टीमों ने। तो चलिए फिर सबसे पहले बात करते हैं प्लेइंग 11 ZR की। तो उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और वीडियो देख करके आप ड्रीम 11 की टीम बना सके। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही होगा कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है आपको उसको प्रेस करना है बस। तो प्लीज़ यार एक बार प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा सब्सक्राइब, इससे हमें हमारे चैनल को थोड़ी सी मोटिवेट मिलेगा। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो हमारे चैनल को। तो चलिए फिर बात करते हैं ZR यानी जलावाद रॉयल्स के पिछले प्लेइंग 11 की। तो आप देख सकते हैं शेल्डन जैक्सन, चेतेश्वर पुजारा, सामर्थ व्यास, परेरक मनकद, जय छाया, तरंग चालोत्रा, सुनील यादव, जय चौहान, किशन कुगासिया, देवांग कारामता, इसके अलावा विशाल जोशी। अब बात करते हैं पिछले मैच में परफॉर्मेंस की। तो आप देख सकते दो ही बैट्समैन ने स्कोर किए क्योंकि ओपनिंग बैट्समैन ने जिता दिए थे मैच। शेल्डन जैक्सन और चेतेश्वर पुजारा 64-64 दोनों ही बैट्समैन ने बनाए थे। इसके अलावा विकेट लेने वाले बॉलर आप देख सकते देवांग करमाता जो 3 विकेट लेते, सुनील यादव ने 2, किशन कुगासिया ने 1, इसके अलावा प्रेरक मदकद ने 1। तो ये इनके परफॉर्मेंस थे पिछले मैच के जो प्लेयर परफॉर्म किए थे। इसके अलावा बात करते हैं अब दूसरे टीम यानी कच्छ वॉरियर्स की। तो आप देख सकते हैं इनका जो पिछला प्लेइंग 11 था राजदीप दरबार, अभी बैरोट, सनेल पटेल, सुरेश पदियाची, अमित रंजन, फैनिल सोनी, हितेंद्र जडेजा, कुलदीप रावल, जयदेव उनाडकट, पार्थ बौद्ध, उसके बाद अग्निवेश आची। तो इनका पिछला प्लेइंग 11 था पिछले मैच परफॉर्म करने वाले पहले राजदीप दरबार ने 94 और अभी बैरोट ने 65 बनाए थे। इसके अलावा विकेट लेने वाले बॉलर जयदेव उनाडकट ने 2 विकेट लिए थे, सुरेश पदियाची ने 2 विकेट लिए थे, पार्थ बौद्ध ने 1 विकेट लिया था और हितेंद्र जडेजा ने 1 विकेट लिया था। तो ये इनके पिछले मैच परफॉर्म करने वाले प्लेयर थे। तो इन प्लेयरों को आप अपने ड्रीम 11 की टीम में रख सकते हो। अब बात करते हैं ड्रीम 11 टीम की। तो ड्रीम 11 टीम में हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे विकेट कीपर की। फ्रेंड, एक और न्यूज़ मैं आपको बता दूं कि जो सौराष्ट्र प्रीमियर लीग चल रहा है इसमें ड्रीम 11 वाले लाइनअप नहीं, स्टार्टिंग लाइनअप नहीं देते और ना ही प्लेइंग 11 मिल पाता है। तो आपको पिछले प्लेइंग 11 के हिसाब से खेलना होता है, जो जैसे ड्रीम 11 पहले खेलते थे कि हाँ आप उस तरीके से ही खेले कि मैच शुरू होने के 1 घंटे पहले डेडलाइन ख़त्म हो जाता था, मतलब टीम नहीं चेंज कर पाते थे। तो उस हिसाब से आप एक अंदाज़ा ही लगा सकते कि कौन खेलेगा या कौन नहीं खेलेगा। तो इस मैच का जो लाइनअप है वो नहीं मिल पाता, तो उस हिसाब से आप खेलिएगा। तो इसमें मैं विकेट कीपर में शेल्डन जैक्सन को लिया, आप चाहो तो पटेल को भी ले सकते हो, ये ऑप्शन आपका रहता है पटेल का, और आप मैं जैक्सन के साथ जा रहा हूँ। इसके अलावा बात करेंगे बैट्समैन की। तो मैंने चेतेश्वर पुजारा को लिया, अब इसके अलावा बैरोट को लिया, छाया को लिया है और दरबार को लिया। इसके अलावा आपका जो ऑप्शन बचता है, अब जो ऑप्शन बचता है ऑप्शन में आपको बता देता हूँ, बायस को ले सकते हो। इसके अलावा दोदिया जो है आपको बता दूँ कि पिछले कुछ मैचों से नहीं खेले थे, अब इनको ना ले तो ही अच्छा होगा। और इसके अलावा सोलंकी भी नहीं खेले थे, सोलंकी की बात करें तो सोलंकी भी नहीं खेले थे, इनको भी ना ले तो ही अच्छा होगा। तो ये कुछ एक ही ऑप्शन बचता है आपको बता दूँ। इसके अलावा जो ऑप्शन आपका बचता है बैस का बचता है, तो आप बैस के साथ जा सकते हो। इसके अलावा कटारिया तक भी नहीं खेले थे, बाकी कोई भी नहीं खेला था बैट्समैन है इसके अलावा बैस के अलावा, तो आप बैस को ही ले सकते हो। इन चारों में से किसी एक को ड्रॉप करके चारों सेटिस्फाई नहीं हो तो सेटिस्फाई हो तो इन चारों के साथ जा सकते हो, चेतेश्वर पुजारा, बैरोट, छाया और दरबार। इसके अलावा बात करते हैं ऑलराउंडर के, ऑलराउंडर मैंने मनकद को लिया और इसके अलावा रावल को लिया और रंजन को लिया। तो ये 3 ऑलराउंडर मैंने लिए। इसके अलावा बात करते हैं चौतरेला की, तो चौतरेला को आप ले सकते हो, पिछले मैच में खेले थे तो इनको ले सकते हो। इसके अलावा जडेजा को ले सकते हो, तो 2 ऑप्शन आपके पास बचते हैं, इन दोनों में से किसी को भी ट्राई कर सकते हो। तो देख लीजिएगा आपको किन के साथ जाना। जो 3 ऑलराउंडर मैंने लिए वो मनकद है और इसके अलावा रावल और रंजन है। इसके अलावा बात करते हैं बॉलिंग की, बॉलिंग में मैंने जयदेव उनाडकट को लिया है, बौद्ध को लिया है और यादव को लिया है।
ये तीन बॉलर मैंने लिए। इसके अलावा जो आपके पास ऑप्शन है, आप कुगासिया को ले सकते हो, इसके अलावा आयाची को ले सकते हो, करमाता को ले सकते हो, तो ये कुछ ऑप्शन आपके पास बचते। इसके अलावा सोनी भी पिछले मैच में आप खेले थे, आप इनको भी ले सकते हो, फैनिल सोनी। तो एक कुछ ऑप्शन आपके पास जैसे बॉलिंग में बहुत सारे ऑप्शन है, इनमें से किसी को ट्राई कर सकते हो। तो देख लीजिएगा आपको किन के साथ जाना है। जो तीन बॉलर मैंने जयदेव उनादकट, बॉट को लिया और एदाब को लिया। तो अगर आप इन तीनों से सेटिस्फाई हैं तो इनको चेंज करके बाकी के ऑप्शन को ट्राई कर सकते हो। इनसे सेटिस्फाई हो तो इन तीनों के साथ जा सकते हो। अब बात करते हैं टीम प्रिपेयर, कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो यहाँ पे मैंने कैप्टन चेतेश्वर पुजारा को रखा है और वाइस कैप्टन बराउट को रखा है। तो इसके अलावा जो जैक्सन को बना सकते हो या फिर आप मनकत को बना सकते हो, रावल भी आपका सबसे ऑप्शन है। तो इनमें से किसी को भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। तो देख लीजिए आपको किनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है। इसके अलावा एक बार टीम प्रीव्यू में पूरा बता देता हूँ। विकेट कीपर में जैक्सन, बैट्समैन में पुजारा, छाया, बैरॉट और दरबार है, ऑलराउंडर में मनकद है, रावल है, राजन है और बॉलर में एदब, उनादकट और बहुत है। तो ये है पूरी टीम। अगर इससे सेटिस्फाइड टीम के साथ जा सकते हो, अगर सेटिस्फाइड हो तो इनमें से किसी को चेंज करके बाकी मैच किसी को भी ट्राई कर सकते हो। एंड आप आई होप आप लोग इस टीम से अच्छा विन करोगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो प्लीज़ यार अब तो सब्सक्राइब कर दो, रेड कलर का बटन प्रेस करके। एंड आई होप आपने को सब्सक्राइब कर दिया होगा इतनी रिक्वेस्ट के बाद, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आपका सब्सक्राइब करने के लिए। एंड आई होप आप लोग अच्छा ही विन करोगे। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।